अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। एक मरतबा फिर आपको रहमान रमज़ान सर्च मिशन में खुश आमदेद कहता हूँ। और इस दौरान मैंने ये इसको काफ़ी अच्छी तरह से इसको समझ लीजिए कि मिक्स कर लिया था, और बल्कि दो बना भी लिए थे, मैं फिर आपको सिखा भी दूँ। कुछ नहीं करना होता, बस ये आपने लिया और इस तरह से थोड़ा सा इसके साथ ये क्या ज़बरदस्त ये बना। बनने के बाद थोड़ा सा इसको घुमाया, अब ये घूम रहे हैं। घूमने के बाद अब आपने इसको कुछ नहीं करना, ये जो चार उंगलियां अल्लाह ने दी हैं यही इस पर खूबसूरत एक नक्श बनाएंगी। ये गोला बना और ये आपने चारों उंगलियों से उसे दबा दिया। ये देखिए कैसा बना, बना ना ज़बरदस्त हैं, कितना मज़ा आया। और ये आपने इसको ऐसे रख दिया। इसी तरह से फिर आप ये लीजिए, और इसको लेने के बाद इसको ऐसे 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 ऐसे, अरे ऑडियंस को भी तो बता दूं, उनको शायद नज़र ही नहीं आ रहा होगा। हाँ जी, ये देखिए कबाब है, कीमा पिसा है, ठीक है। और उसके बाद अब आप रहो, यही रहो, ये हमने लिया। मैं इनको बता रहा था कि कैसे चपली कबाब, तुम तो बताओगे नहीं यार, आप मेरी बहनें कभी शायद घर में बनाएं। उसके बाद जब इसको लिया तो फिर ये इसको ऐसे किया, और जब ये पेड़ा बन गया, पेड़ा तो बनाती होंगे ना आटे का आप लोग, ये चार उंगलियां हैं, इनको आपने ऐसे कर दिया, ये आ जाता है ठीक। और उसके बाद नाज़रीन किराम, ये हमने सारे इस तरह से तैयार कर लिए हैं। और अब हम आ जाते हैं ग्रिलिंग की तरफ। ग्रिलिंग के लिए ज़रूरी है कि हम यकीनन पहले ये मैं दस्ताने उतार दूँ, मैं किसके हाथ पे अपना लहू तलाश करूं, तमाम शहर ने पहने हुए हैं दस्ताने। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम जी, कौन साहब बात कर रही हैं? आमिर भाई, मेरे प्यारे भाई, चार दिन से मैं लगातार फोन कर रही हूं और आज आके मुझे अपने भाई से बात करना हुई है। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह, कैसी हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? बिल्कुल ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो ये कहना था कि आप माहे रमजान की रौनक हैं, आप खुदा का वो अनमोल तोहफा है जिसका कोई मोल ही नहीं है। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह, आपकी तारीफ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का मेरे बड़े प्यारे भाई हैं, और मेरा दिल करता है कि आप मेरे सगे भाई होते। मैं सबका प्यारा भाई हूँ, और आप जाहिर है प्यारे भाई हैं, और जिस तरह हमें माह रमजान का इंतजार होता है उसी तरह आपका इंतजार होता है। अगर माह रमजान में आप ना हो ना, यकीन करें हमें मजा नहीं आता। सारी तारीफें उस परवरदिगार की जिसने हम सबको तकलीफ किया, और वही हम आपको बहुत सीरियस समझते थे, माशाल्लाह आप बहुत जॉली भी हैं। अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह, नहीं नहीं मैं बिल्कुल सीरियस नहीं हूँ, पता नहीं लोग मुझे क्यों समझते हैं। मैं तो इस बार हमें पता चला कि जो हमारे भाई हैं, हमारे प्यारे मोहतरम भाई हैं, वो बहुत जॉली भी हैं, बहुत जिंदा दिल की हैं। यकीन करें भाई, आप यकीन करें, मेरा दिल करता है कि मैं अपने भाई के हाथ आके चूम लूं। आप हमारे बड़े अच्छे भाई हैं। बस बहुत शुक्रिया, बड़ी मोहब्बत, बड़ी मैं अपनी बहन को सलाम पेश करता हूँ। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी कॉल करने की। नाज़रीन किराम, ये इस वक्त हमने मीज़ान इसमें प्रोलाइस डाला है, और ये थोड़ा सा गर्म हो रहा है, साथ साथ में एक फ्रूट सैलड भी है, वो भी बनाना शुरू कर देता हूँ। और इसमें ये बहुत इसके इंग्रेडिएंट्स आपको बता दूँ, ये क्रीम है, क्रीम आप देख सकते हैं, और इसके साथ साथ ये कंडेंस्ड मिल्क है, और ये है आप कोई भी फ्लेवर ले लें, रूह अफजा ले लें, जाम शीरी ले लें, कोई सा भी ले लें, नौरस ले लें, कोई नाराज़ ना हो जाए, जितने सारे हैं उनमें से कोई सा भी एक ले लें आप। और कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपने ये इसमें क्रीम डालनी है, और उसके साथ आपने ये कंडेंस्ड मिल्क डालना है, ठीक है जी। और फिर आपने इसमें ये लाल रूह अफजा या कोई भी आपने इसमें, अच्छा जी, अब ये आपने कबाब रखने शुरू कर दिए। ये गया पहला कबाब, और ये गया दूसरा कबाब, ये गया तीसरा कबाब, ये गया चौथा कबाब, और ये गया पांचवां कबाब, और अब इसमें से खुशबू उठनी शुरू हो जाएगी।